इंसान से अच्छा जानवर क्यों? हमेशा हम सुनते आए हैं कि एक इंसान को बोला जाता है, एक इंसान बोल रहा होता है, इंसान को इंसान बोलता है कि तेरे से अच्छा तो जानवर है, ठीक है? तो क्वालिटी किसकी निकल रही है? जानवर की। क्यों ऐसा? क्योंकि इंसान के अंदर तो सारी पावर होती है, सब कुछ समझ की, बोलने की, करने की, सब चीज की क्षमता होती है, लेकिन फिर भी जानवर को क्यों बोला जाता है कि जानवर अच्छा है? उसका रीजन एक ही है, इंसान हमेशा सेल्फिश होता है लेकिन जानवर बहुत अच्छा होता है। जानवर के अंदर नहीं, सेल्फिश नहीं होता वो। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बंदर और एक मदाड़ी। मदाड़ी क्या करता है? वो इंसान होता है, बंदर तो जानवर होता है, आपको मालूम ही है। तो इंसान इतना सेल्फिश होता है वो मदाड़ी, कि उसको कहीं मिल जाता है मतलब बंदर, तो वहां से पकड़ के उसको जो भी उसकी खातिर पानी करता है और उसको एक ऐसा टॉयज बना देता है कि सिर्फ वो टॉयज ही बन के रह जाता है बंदर। उसके अंदर भी एक सब कुछ है, वो भी एक इंसान नहीं कह सकता लेकिन सब कुछ है, खाना पीना रहना फील करना। बट आप एक चीज देखोगे, एक इंसान कितना सेल्फिश होता है कि वो उस बंदर को पालता है, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए या जो भी है, लेकिन एक बंदर सिर्फ खुद अकेला होता है, ना तो उसकी फैमिली होती है, ना उसके पेरेंट्स, ना उसके बच्चे, कहाँ जानवरों का क्या होता है, लेकिन वो फिर भी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देता है और पूरी वफादारी के साथ। हमेशा गलियों में जब ये गेम हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि मदाड़ी बंदर को पाल रहा है, बट ये रॉन्ग है। नहीं, बंदर डेली वर्क करता है, किस लिए? क्योंकि जो इंसान, जो मदाड़ी था ना, जो उसको पकड़ के लाया था, उसके लिए, उसके घर को चलाता है एक बंदर। तो समझ सकते हो कि डेली डेली कितना वर्क करता है बंदर, एक जानवर। और इंसान देखो कितना सेल्फिश है, उसको छोड़ेगा भी नहीं, उसको आजाद भी नहीं करेगा, बिकॉज उसका प्रॉफिट है इसके लिए। और बंदर चाहे तो आराम से उसको छोड़ सकता है ना, कि वो जब चाहे रातों रात भी निकल जाएगा जब उसको, लेकिन वो उसने ठान लिया, मान लिया, समझ लिया कि यार ये मेरा मालिक है या जो भी है, मेरे बॉस है, तो मुझे वफादारी निभानी चाहिए। इसी स्टोरी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये कहावत बोली जाती है कि एक, आप किसी को भी देख लो, डॉगी को देख लो, आप किसी को भी देख लो, कि जानवर के अंदर जो वफादारी है ना, वो इंसानों के अंदर नहीं है। इंसान बहुत सेल्फिश होता है, अपने मतलब के लिए वो लोगों की लाइफ, जानवरों की लाइफ, सबकी लाइफ खराब कर देते हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, ना किसी को आजाद नहीं करते। कहने का मतलब वही है कि इंसान से बेटर जानवर है, ये मेरा 101% डिसीजन है और इस चीज को मैं मानती हूँ, समझती हूँ। तो हुआ ना, एक स्टोरी से पता लगा ना कि इंसान से बेटर जानवर, बिकॉज विदाउट सेल्फ जानवर रहता है, हेल्प करता है, वर्क करता है।